बिग बॉस के घर में किचन ड्यूटीज हमेशा से ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे की वजह से एक बार फिर से माहिरा शर्मा और रश्मि देसाई के बीच में झगड़ा हो गया है। दरअसल शहनाज कहती हुई नजर आई कि लंच और डिनर एक साथ कर लेंगे और ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं, तो इस पर माहिरा कहती हुई नजर आती हैं कि अब ये क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। इस पर रश्मि देसाई कहती हुई नजर आती हैं क्योंकि माहिरा तुम्हारा ना तो ब्रेकफास्ट टाइम पे होता है और ना ही तुम्हारा लंच, इस वजह से ये सब हो रहा है। इस पर माहिरा गुस्सा हो जाती है और कहती हुई नजर आती है कि तुम्हें फालतू में फुटेज चाहिए और फालतू के मुद्दे बनाते हो तुम लोग और ऐवे भोगते रहते हो। इस पर रश्मि कहती हुई नजर आती है तेरी बोलने की तमीज है, तमीज तमीज की बात करती है। इस पर माहिरा कहती हुई नजर आती है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या, फालतू के मुद्दे क्यों बना रहे हो यार, यहाँ पर तुम लोगों के लिए करके देती हूँ, आपने कब अपना टाइम पे किया है मुझे ये बता दो। इसके बाद जब वो किचन में खाना बना रही होती है तब भी कहती हुई नजर आती है कि खुद तो लोगों से गिन गिन के एक एक रोटियां बनाने में भी तू रोती थी और यहाँ पर मैं खड़ी होकर सबके लिए तीन तीन चार चार पराठे बनाती हूँ, वो नहीं दिखता तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए करो चाहे ना करो वो सब एक साथ वेन में ही जाना है, क्योंकि उस चीज का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए खाना बचा बचा के रखते तुम्हें खिलाने के लिए और तुम इस तरीके से रिएक्ट करते हो, दैट्स रियली वेरी बैड। और रश्मि देसाई भी गुस्सा हो जाती है और कहती हुई नजर आती है कि तू अपना काम टाइम पे नहीं करती और हर बार काम से बचने की कोशिश करती हुई नजर आती है। बिग बॉस के स्टेटस सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।